आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। निसार भाई, आज जो आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? ये हमारे को मतलब तेजी कपास के सीजन के अंदर कैलाश ट्रांसपोर्ट जो है, ये संदीप सेठ करके है, जेतपुर में बैठे रहता। ये हमारी यूनियन जो है 2012 से चालू है, इनसे हमारा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट होने के बाद में ये सीजन के अंदर हमसे गाड़ियाँ मांगता। एक एग्रीमेंट है हमारे पास इनका, ये हमसे गाड़ियाँ तेजी में गाड़ी मांगता है। मंदी के अंदर जो है, तो ये बाहर की गाड़ी, गुजरात पासिंग की गाड़ियाँ कम भाड़े में लगाता है। ये कम भाड़े में गाड़ियाँ लगा के हमारे गाड़ियाँ माले को, जो गाँव की गाड़ियाँ है, गाड़ी खड़े रहती 15-15 दिन, मोटर मालक बैठे हैं, ड्राइवर बैठे हैं। आज एक गाड़ी के ऊपर 4 घर चलता है। उसके बाद में इसको बोल रहे हैं तो ये सुनता नहीं है, दादागिरी की भाषा करता है। ये बाहर से गाड़ियाँ ला ला के कम भाड़े में गाड़ियाँ भर रहे हैं। तो आपका बैड बैठा के कोई मसले मसाइल का कोई एक बार बैठा इनको बैठता, उसके बाद जो करने का वही काम करता है। पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट में कई बार लेटर दे चुका मैं इसके ताल्लुक से। अभी 6 दिसंबर को मैंने लेटर डिपोटी साहब को दे के आए ले, फिर वही 6 दिसंबर का आया। इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, मजबूरन मेरे को यहाँ बैठना पड़ा धरने। तो आपके धरने का क्या असर होगा? जो भी होगा, गाड़ी तो हम जान नहीं देंगे, आप गाड़ी भरन भी नहीं देंगे। हम उसको कुछ नहीं कर रहे, हम बैठे हैं गाड़ी के पास कर। तो आपकी डिमांड क्या है? जैसे हमारी डिमांड यही है कि गांव की गाड़ियाँ लगना चाहिए पहले, उसके बाद में वो जो गांव का माल है, दूसरा वो माल चलाता है उधर से, हम उसको कुछ नहीं बोलते। फरहानपुर यहाँ से गाड़ी भर के बेचता है, हम उसको कुछ नहीं बोलते। हमारा जो करारनामा है वही हम करते हैं उसके साथ काम। वहाँ गाड़ियों को तकलीफ देता, गाड़ी नहीं खाली करता, 2-3 दिन गाड़ी खड़े रहती, भाड़ा नहीं देता। अभी एक गाड़ी का भाड़ा 15 दिन से गाड़ी का भाड़ा नहीं दिया है। पब्लिक समाचार इनके माध्यम से मैं ये तकलीफ बताने आया यहाँ कि हमारे जो गाड़ियाँ यहाँ से जाती है मालेगांव से, यूनियन से भरते हैं गाड़ियाँ, वहाँ जाने के बाद भाड़ों को तकलीफ, गाड़ी खाली नहीं होती है, ड्राइवरों को बोलता जाओ गाड़ी में जाके बैठो, उसके बाद फिर डायरेक्ट बोलता तुमसे जो करना है करो, भाड़ा यानी भाड़ा देते नहीं टाइम पे, 2-2 दिन मतलब भाड़ा नहीं देते। अभी नहीं है, अभी चेक डालेंगे। कौन लोग भाड़ा नहीं? संदीप सेठ कैलाश जेतपुर के अंदर। उसके बाद में फिर बोलते तुमसे जो करने का तुम करो, हम कहाँ जाएंगे, किसको फ़ोन करेंगे, इधर फ़ोन करते हम कर रहे हैं बात। कौन लोग बोलते आपको? ये संदीप ट्रांसपोर्ट, कैलाश ट्रांसपोर्ट संदीप। उसके बाद फिर भाड़े के यानी तक फिर ड्राइवरों को खाने पैसा नहीं रहता है, डीजल चेक गाड़ी का माल पक्का होता है तो तकलीफ देते है। अभी कहा यार अभी पैसा नहीं हमारे पास में, ये सब मामला है और ज़्यादा तकलीफ है ड्राइवरों को भी। ज़्यादा हरेसमेंट करते हैं गाड़ी वालों को। तो हम चेक करेंगे गडान को, ये करेंगे, उसके बाद में फिर मतलब बहुत तकलीफ के बाद भाड़ा मिलता हमको। धरने पे इसलिए बैठे हैं कि ये लोग ना बाहर से गुजरात की गाड़ी कम भाड़े में भरते हैं, और हम लोगों की गाड़ी जो है ना 15-15 दिन खड़े रहती है, और वहाँ पे जो संदीप सेठ है कैलाश ट्रांसपोर्ट वाला, वो दादागिरी करता है, कभी भाड़ा डालता है कभी भाड़ा नहीं डालता है, हम लोग को हलाकानी होती है बस। और यहाँ जो रिजवान भाई है उससे कई बार बैठ के बात हो चुकी है हमारी, तो बोले आइंदा ऐसा नहीं होगा, आइंदा ऐसे नहीं, फिर देखो ये गुजरात पासिंग की गाड़ी ला के भर रहे कम भाड़े से। देखो ये इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को, इसलिए मजबूरन हम लोग को लेटर वगैरह देने के बाद जो तो हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। ऐसा कितने वक्त तक आप धरने पे बैठेंगे? ऐसा कई मरतबा, ये अभी जब तक हमारा मसला हल नहीं होता हम यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे। ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी।